फैमिली, क्या हाल है? कैसे आप सब? आए हो आप सब ठीक होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। और आज गांव में चल रही है जी हमारी फ़िश पार्टी, तो हमने अपनी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करें। तो पहले मैंने आपको दिखाया था कि मसाला लगा रहे थे मछली को, तो ये देखिए हमने फ़िश का मसाला लगा के रखा था ढाई से तीन घंटे या एक रात पूरी आप लगा के रखें तब जब्बर, फिर उसके बाद ये खाने वाली होती नहीं। अगर टाइम हो तो फिर कम से कम आधा घंटा तो आप लाजमी लगाएं। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो घी को अच्छी तरह गर्म करके फिर ही आपको इसको फ्राई करना चाहिए। हमें ठंडे घी में डालेंगे तो मछली फ्राई नहीं होगी। फ्राई हो रही है हल्की हल्की आँच पर कि अच्छी तरह अंदर मसाले भी जज्ब हो जाएँ और अच्छी तरह ये गल भी जाए। कच्ची नहीं रहनी चाहिए, ज़बरदस्त बननी चाहिए। मसाले इसके अंदर मैंने जो डाले थे वो थी जवाइन, सूखा धनिया, गरम मसाला, ज़ीरा और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर बेसन डाला था, कुटी लाल मिर्च डाली, वो दड़ा मिर्च डाली थी और क्या कहते हैं हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना और अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सब चीज़ें डाल के इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स करके फ्रीज़ कर दिया। बस टाइम नहीं है वरना हम इसको पूरी रात रखते, तो चले इसको फ्राई करके फिर दिखाती हूँ। देखिए ये फ्राई हो गई है, फ्राई कर रही हूँ। ये देखें इस तरह इसको दबा के करना है चाहिए फ्राई। ये जो है ना, ये देखें ये पानी निकल रहा है, फिर अंदर तक फ्राई हो जाती है, थोड़ा थोड़ा उतर है। बाकी तो आप ये देख लें ज़बरदस्त फ्राई हो रही है। यहाँ पे लाइट की कमी इस वजह से इसका गहरापन लग रहा है, लेकिन इसका नेचुरल कलर ना बहुत प्यारा है। तो ये देखें ये कलर है इसका जो फिश का होता है। ससुराल वाले आए हैं, कल लेके गए थे, आज दूसरा दिन है, आज वो मिलने के लिए आई है अपनी सास ससुर के साथ। और हमारी चल रही है सबकी फ़िश पार्टी जी। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच जो आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं और मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट दे रहे हैं, मेरी कज़न को दुआएँ दे रहे हैं, शुक्रिया आप सबका। फिर आपके साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। एक और ज़बरदस्त व्लॉग के साथ मिलूंगी इंशाल्लाह आपको। अभी तक मेरे गांव के चल रहे हैं व्लॉग, अभी मैं फ़िलहाल लाहौर नहीं जा रही, एक दो दिन हूँ। हाथ को बचा के चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।